विश्वात्मा विविध विषयान् प्राश्य भोगान् सर्विष्टान् पश्चाचान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरविशनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः आत्मसौनस्तुरीयः। अथर्ववेदियों मांडुक उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग चौथा मंत्र को जाकर समाप्ति पे हैं। चौथा मंत्र क्या बोला था, एक साथ मिल के पढ़ते हैं। चौथा मंत्र को स्वप्न स्थान स्वप्न स्थान में अभिमान करने वाला जो चेतन है ना, उसको बोलते हैं स्वप्न स्थान है, जिसका स्वप्न स्थान में अभिमान करने वाला चेतन। और वो क्या होते हैं कि एक अभिमानी है। मान लो स्वप्न में हमने देखा कि मैं कल भारत का प्रेसिडेंट बन गया, तो बन गया नहीं, वो तो एक अभिमान है मात्र। इसलिए तो जागृत में भी ऐसे अभिमान है, स्वप्न में भी ऐसा ही अभिमान है। तो इसी प्रकार से सारे मतलब केवल यही नहीं, पूरा व्यवहार ही अभिमान से ही चलता है। सेकेंड बोला वहाँ पे अंतःप्रज्ञ। अंतःप्रज्ञ का अभिप्राय ये मतलब ये है कि आपने जब बोला बहिष्प्रज्ञ में आप बोल करके आया केवल अपने स्वरूप को छोड़ करके सब जानता है ये जागृत काल में। तो अंतःप्रज्ञ से अभिप्राय ये है जागृत काल में विषय पहले नहीं रहता है और स्वप्न काल में विषय पहले से मन में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है और वही सामने अभिव्यक्त होता है। वो अंतःप्रज्ञ मतलब सामान्य रूप से नियम है जो चीज के जिस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय का हम ग्रहण करते हैं, विषय बाहर होता है, इंद्रिय अंदर होता है, इंद्रिय सूक्ष्म भी होते हैं। यहाँ पे मन के द्वारा विषय के ग्रहण हमारा अभिप्राय है कि मन के अंदर सूक्ष्म रूप में विषय रहता है, फिर आत्मा के प्रकाश से बाहर प्रोजेक्ट होकर तो बाहर दिखा पड़ता है अंतःप्रज्ञ। फिर यहाँ पे और बोला कि सप्तांग एकल विक्षति मुख पहला ही जैसे अपन तो वहाँ पे स्थूल अंग था, यहाँ पे सूक्ष्म अंग है, यहाँ सूक्ष्म अंग है और एक कोण विंशति मुख ये वही है मतलब 19 मुख वाले हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अंग संकट 19 होते हैं। एक कोण प्रविविक्त मुख अब उसको लेकर के विचार करेंगे। कल इस पंक्ति को हम लोग पढ़ लिए थे कि देखो अंतःप्रज्ञ बोलने के लिए और भी एक कारण है, इंद्रियों की अपेक्षा से मन अंतर है, इंद्रियों की अपेक्षा से मन अंतर भी है सूक्ष्म भी है और उस मन के विषय को ही इंद्रिय देखता रहता है मन के प्रकाश से प्रकाशित होकर के। वहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया तेजस, तेजस क्यों प्रयोग किया, तेजस कहने का अभिप्राय ये है कि वो तेज रूप है ये बात नहीं है, वो अपने ही प्रकाश से अपने को भी प्रकाशित करते हैं, अपने विषय को भी प्रकाशित करते हैं, आप उसको प्रकाश करने के लिए दूसरा कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको तेजस भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि तेजस तो अंतःप्रज्ञ विज्ञायते, वो बाह्यादीनी इंद्रियाणी अपेक्षा मनुष्य अंतस्तत्वात् बाहरी इंद्रियों की अपेक्षा से मन अंदर होने के कारण तब परिणामत्वात् उस मन जो उसका अंदर है उसके परिणाम के रूप में हम विषय सामने दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको अंतःप्रज्ञ बोला गया। मुख्य रूप से क्या है कि विषय पहले से अंदर विद्यमान रहता है, उसमें से कुछ विषय को लेकर के लेश मात्र अपादाय कुछ लेकर के हम देखते रहते हैं। इसलिए आप बोलते हैं कि तत्व सप्त प्रज्ञा है तत् तद्वान अंतःप्रज्ञ उच्चते। अच्छा कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, ये यहाँ पे स्थूल विषय यस्याम वासनामयम न ज्ञायते, जिस वासनामय अवस्था में कुछ स्थूल विषय का ज्ञान नहीं होता तस्याम विषय संस्पर्श अंतर न प्रकाश मात्र कि उस अवस्था में विषय के साथ संस्पर्श नहीं होते हुए केवल मात्र प्रातिभाषिक विषय के साथ विषय को अपने प्रकाश की तरह प्रकाशित करके स्थितायाम को विद्यमान रहते हैं आश्रय तेना भगवता, उस प्रातिभाषिक विषय का आश्रय के रूप में वो चेतन बनता है। जागृत में भी प्रातिभाषिक वस्तु का आश्रय ही वो चेतन करते हैं भाषण में। इसलिए भगवती स्वप्न दृष्ट तेज से विवक्षित ये स्वप्न वहाँ पे और क्या करते हैं वो आप अन्य हर जगह पे दृष्टा और दृश्य अलग होता है,
परंतु इस समय आकर के जो दृष्टा है वही अपना दृश्य को अपने आप बना करके अपने आप देखते रहते हैं। दृष्टा भी वही, दृश्य भी वही, दृश्य भी अपने मन से गया मन देखते। अब क्या है कि आत्मा ही है सब कुछ, परंतु यह है कि उपाधि के साथ जो बड़ा परे देवे सर्वे एक ही अग्नि, परो देव का जरा मतलब जो सबसे श्रेष्ठ प्रकाश है, वो श्रेष्ठ प्रकाश मन के साथ एक होकर के अभी व्यवहार व्यवहार वास्तविक नहीं होता, हमारी प्रतीति होती है। इस अभिप्राय यहाँ तक कल हम लोग ने पढ़ लिया स्थूल विषय दस्याम वासनामयम, जिस वासनामय अवस्था में स्थूल विषय को नहीं दिखा जाता और तस्याम विषय संस्पर्शम अंतरेण, उस अवस्था में विषय के संस्पर्श बिना भी प्रकाश मात्र से केवल मात्र स्वयं प्रकाश पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती, केवल प्रकाश मात्र रूप में विद्यमान रहते हैं आश्रय तेन भवती, और उस प्रकाश से अपनी प्रातिभाषिक वस्तु को अपने आप ही अनुभव करते रहते हैं। इति स्वप्न दृष्टा, इसलिए स्वप्न दृष्टा तेजस है, ऐसा बोलना अभिप्राय है। तुझे देखिए भाष्य का लिखे ऊपर उसी का अर्थ कर दिए, किस पंक्ति का अर्थ है, विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषय तेन भवति इति तेजस, भाष्य का किस पंक्ति का अर्थ होती है ना, जहाँ पे विषय नहीं रहता है, विषय के बिना भी आप विषय का ज्ञान हो रहा है, विषय नहीं है वहाँ पे, विषय के बिना भी विषय का ज्ञान हो रहा है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे एक गोलाकार कभी भी नहीं है, किसमें पंखा में, परंतु पंखा जब चलने लगता है आपको बिल्कुल सर्कल दिखाई पड़ता है पूरा, पंखा जब चलने लगता है तो वहाँ पे जो मतलब सर्कल तो हम है नहीं पर तो दिखने लगते हैं, ऐसे विषय नहीं होते भी दिखने लगते हैं। बाहर जागृत करने भी यही है, जैसे आश्रय उसका आश्रय पंखा संप्रदृष्टि से उसको तेजस बोलते हैं, केवल प्रकाश स्वरूप आय केवल मात्र अपने प्रकाश से विद्यमान है, विषय तेना है ना, एक विषय भी है और विषय मतलब विषय को भोग करने वाला जानने वाला भवती जो चेतन तत्व उसको यहाँ पे तेजस शब्द की तरह कहा जा रहा है। अब फिर टीका में आ जाइए, टीका में देखिए तेज शब्देन यथक्त वासनामय प्रज्ञाया निर्देशा इति अर्थ, तेज शब्द के द्वारा क्या दिखा, ये वासनामय प्रज्ञा को दिखा रहे हैं, अतः हमारी वासनाओं को हम जान रहे हैं, वासनामय प्रज्ञा, इसलिए आप जागृत काल में बैठ के इसको कर सकते हैं, जिस समय ही मन में कोई वासना इच्छा भी तुरंत उसको पर एक बार ध्यान दो तो आप अपनी इच्छा को अपने संस्कार को जान जाओगे। स्वप्नकालीन प्रज्ञा को विषय को देख करके हमारे अंदर कौन सा वासना तीव्र है, हमारे अंदर कौन सा वासना अधिक, कौन वस्तु को अधिक हमारी पहचान है, ये हमको पता लगता है। आप स्वप्न काल में पता नहीं लगता, आप उसको देख करके बाद में उसको सुधार सकते हैं, जागृत काल में बैठ के भी आकर यदि हम अपनी वासना हो प्रज्ञामय जो हमारा चेतन है वासना है उसको यदि हम देखेंगे तब क्या होता है, जागृत काल में तुरंत हम उसको रोक सकते हैं, तुरंत उसको रोक सकते हैं कि हमारे अनुकूल अनुकूल प्रज्ञा नहीं है, अनुकूल वासना नहीं है, उसको रोको। इसलिए हम बोलते हैं कि तेज शब्द देना, तेज शब्द के द्वारा यथत्व वासनामय यहाँ जो वासनामय अवस्था प्रज्ञाशनामय का जो प्रज्ञा यहाँ उसको निर्देश किया गया, मतलब तेज शब्द के द्वारा तेजस द्रव्य ये निर्देश नहीं किया गया, तो क्या निर्देश किया गया, वो प्रज्ञा भाषणामय अपने वासनाओं को अपने आप जानना, अपनी इच्छा को अपने आप जानना, ये भी अभिप्रेत है। ननु विश्व तैजसयोर अविशिष्ट प्रविविक्त भूत इति विशेषणम्, ननु विश्व तैजसयोर है ना, विश्व तैजस मतलब जागृत अभिमानी चेतन अचेत सूक्ष्म स्वप्न अभिमानी चेतन दोनों को तैजसयोर अविशिष्ट दोनों में समानता है क्या, प्रविविक्त भूत, प्रविविक्त भूत मतलब सूक्ष्म वस्तु को भूत करना असामान्य अर्थ है, स्थूल भूत बोला था वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा प्रज्ञा सूक्ष्म भोग, वहाँ पे बड़ा सूक्ष्म भोग होगा, यहाँ पे ऐसा यदि कुछ होता हूँ मतलब जागृत काल में भी तो हम सूक्ष्म वस्तु को भोग करते हैं, जागृत काल में भी हमें सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए बोलता है नानु विश्व तेजस अविविष्ट अविशिष्टम प्रविविक्त भोग इति विशेषण, इसलिए विशेषण की कोई लाभ नहीं है। प्रज्ञा या भोज्य तस्य तुल्यत्वा, अब जो है मैं कल बताया था आपको कि स्वप्न और जागृत में प्रविविक्त भूत में ये नहीं कि वहाँ पे मोटा मोटा वस्तु को खाता है यहाँ पे बारीक वस्तु को खाता है, ये अभिप्राय नहीं है। वहाँ पे क्या है, जिस वस्तु को भोग करता है वो विषय भी है और भोज्यता भी है, भोग भी है, विषय विषय में भोज्यता और उसका भोग तीनों है, इसमें जागृत काल में, स्वप्न काल में क्या है भोज्यता है भोग भी है मतलब विषय भी है, इसलिए इसको प्रविविक्त भूत बोला, इसे प्रविविक्त भूत इसलिए बोला, इसे क्या बोलते हैं
कि नानु विश्व तेजस है अविशिष्टम कई भक्त भूषण दोनों में तो निश्चित है, अपने शंका जब नहीं है कि एक आक्षेप रूप में समझ सकते हैं नानु यहाँ पे कि दोनों जगह पे तो प्रविधिक्त भूख दोनों के लिए बराबर है। प्रज्ञा या भोज्यत्व से दुर्लभता की जो हमारा ज्ञान होता है ना वह भोज्यत्व धर्म दोनों में बैठा हुआ है। किसमें? जागृत भोग्य वस्तु में और सात्विक भोग्य वस्तु में भोज्यत्व धर्म दोनों में बैठा हुआ है। भोज्यत्व से दुर्लभता मैवाम ऐसा नहीं समझना, वहाँ पे भिन्नता क्या है? तस्सा भोज्यत्व अविशेष अभी भोग्य वस्तु में भोज्यत्व धर्म दोनों अवस्थाओं समान है, जागृत अवस्था सुषुम्न अभिषेक तस्सा अवान्तर भेद है, दोनों में अवान्तर भेद है। अवान्तर का क्या है? जागृत काल में विषय सामने रहता है, स्वप्न काल में विषय सामने होता है, परंतु प्रातिभाषिक विषय होते हैं। इसी से सिद्ध होता है, हम सोचते हैं कि जागृत वस्तु सच होगा, किंतु आप देखिए स्वप्न काल में प्रातिभाषिक वस्तु से आपको जो सुख दुख होता है वो व्यवहारिक सुख दुख होता है। स्वप्न काल में वस्तु कैसा है? प्रातिभाषिक है नहीं, परंतु सुख दुख जो होता है उससे वो प्रातिभाषिक नहीं है, वो व्यवहारिक है। एक शेर आपको सपने में आप देख रहे हैं, मेरे को एक शेर ने भगा रहा है, खाने के लिए आ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, ठोकर लगते गिर गया। अब गिरने के बाद आपका अंदर जो डर बैठा हुआ है ना, मतलब आप दौड़ रहे थे, आप देखेंगे जागने के बाद आपको डरा हुआ का फीलिंग है। प्रातिभाषिक वस्तु से कोई सुख प्राप्त हुआ वो आनंद अथवा सुख आपका अंदर एक रेजोनेंस जैसा होता रहता है, उसका अनुभूति होती है। यानी कि प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक सुख होता है, इसलिए वर्तमान में आपको तो सुख अनुभव में आ रहा है बोलते हैं कि नहीं बोलते, कोई बात नहीं, प्रातिभाषिक वस्तु हो जाए उसको सच मानने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टांत तो स्वप्न है। मतलब यथार्थ भेद नहीं है, अवान्तर भेद मतलब कुछ विशेष कारण को लेकर के भेद है, बता रहे हैं अवान्तर भेद कई बार कई स्वप्न मिलेगा कि वहाँ पर तस्य भोज्यत्व अविशेष अभी किसमें वो भोग को दोनों अवस्था में भोग को अविशेष तस्य अवान्तर भेद है, तो वहाँ पे उस अवस्था स्वप्न अवस्था में कुछ अवान्तर भेद है, अवान्तर भेद उस समय समझ में नहीं आता, अवान्तर भेद मतलब क्या विशेष भोज्यत्व वो है कोई एक विशेष चीज को लेकर के भिन्नता है। बोलेंगे हमें देखो अवान्तर भेद क्या स्वविषयत्वाद विशेष भोज्य प्रज्ञा स्थूल लक्षण वहाँ पे विषय रहता है, ये अवान्तर भेद है। अवान्तर भेद क्या है कि स्वविषयत्वाद विश्वस्य विश्व मतलब जागृत अभिमानी चेतन वहाँ पे जो उसका भोग होता है उसमें विषय साथ में रहता है, ये अवान्तर भेद स्वप्न अवस्था में विषय बाकी भोज्यत्व भोग दोनों में रहता है, भोज्यत्व और भोग दोनों अवस्था में। अवान्तर भिन्नता क्या है कि सामान्य भिन्नता क्या है वहाँ पे जो है ये किसी को दिखा नहीं पाएंगे आप, केवल समझने की बात है। इस आप बैठ के देखिए, आप बैठ के अपने जीवन का कोई अच्छा घटना को आप सोच रहे हैं तो आपको आनंद लगता है, उसी प्रकार से कोई दुखदायी घटना याद आएगा तो फिर आप दुखी क्यों हो जाते हैं? विषय नहीं है वहाँ पे सामने विषय नहीं होने पर भी उससे हमको भोग होना होता है, इसलिए बोलते हैं सब विषय अथवा विश्वस्य भोज्या प्रज्ञा, वहाँ पे जो प्रज्ञा जो भोग करने योग्य जो वस्तु है उसका संबंधित जो ज्ञान भोज्य मतलब भोग करने योग्य वस्तु उसको बोलता है भोज्य, अर्थात संबंधित जो ज्ञान इसे बोलता है भोज्या प्रज्ञा स्थूल लक्षित है, वो स्थूल लक्षित होता है, और यहाँ पे जो भोज्या प्रज्ञा है वो क्या होता है सूक्ष्म लक्षित है, इसलिए इसको प्रविव्यक्त भोग बोला, इसे इसको प्रविव्यक्त भोग बोला, इसलिए बोलते यहाँ पे तस्य भोज्यत्व अविशेष अभी अतः दोनों अवस्था में भोज्यत्व धर्म विषय में भोज्यत्व धर्म समान होने पर भी अवान्तर भेदा दोनों में अवान्तर कुछ भेद अवान्तर एक जगह पे भेद है, वो क्या भेद है कि स्वविषयत्वाद विश्वस्य भोज्य प्रज्ञा स्थूल लक्षते विषय के साथ होने के कारण वहाँ पे जागृत अभिमानी चेतन में जो भोग्य वस्तु संबंधित जो प्रज्ञा होता है वो स्थूल लक्षित होता है, और यहाँ पे आपका सूक्ष्म लक्षित है। तेजस हेतु ये जो मिलन विषय स्पर्श संस्पर्श शून्य ठीक है ना, तेजस अवस्था में क्या होता है विषय के साथ संस्पर्श नहीं है, तेजस हेतु विषय संस्पर्श शून्य वासना मात्र रूपा केवल मात्र वासना मात्र ये अवंतर है ठीक है ना, ये वासना मात्र रूपा इति प्रविविक्त भोग, इस पे यहाँ पे आते प्रविविक्त भोग मतलब सूक्ष्म भोग यहाँ पे कहा गया है। प्रविविक्त सामान्य तो अकेला एकांत विविक्त दिश से विक्तम जो कुछ है अकेला ही है, अपने अकेला कर अकेला में अपने को अपने आप सेवन कर रहे हैं, एक अर्थ होता है प्रेमित्व मतलब एकांत एकांत एक में अंत हो गया, प्रेमित्व मतलब सूक्ष्म, यहाँ पे प्रेमित्व मतलब इतना ही हम कहना चाहते हैं कि प्रेमित्व से ये स्थूल भोग करते हैं ये बारीक भोग करते हैं ये बात नहीं है, यहाँ पे स्थूल जो जागृत काल में जो प्रज्ञा होता है वो प्रज्ञा में विषय साथ रहता है,
यहाँ पे जो प्रज्ञा होते हैं यहाँ पे विषय नहीं रहता, मतलब भोज्यत्व धर्म रह जाता है, भोज्यत्व धर्म, इसलिए भिन्नता हुई यहाँ पर। तो जैसे तो प्रज्ञा विषय संस्पर्श शून्य वासना मात्र रूपये प्रविव्यक्त हो भोग सिद्ध, इसलिए यहाँ पे प्रविव्यक्त भोग सिद्ध हो जाता है। इसी आवश्यक मन में रखते हुए भाष्यकार बोलते हैं। अब भाष्य में आ जाइए, विषय स्विषयत्न प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्व, ठीक है ना। विषय में क्या होता है, विषय के साथ होने के कारण वहाँ पे जो प्रज्ञा होता है वो स्थूल प्रज्ञा में भोज्यत्व, प्रज्ञा स्थूल है और भोज्यत्व जो प्रज्ञा है मतलब ये हमारे लिए भोग्य वस्तु है, वो जो बोध है ना वहाँ पे स्थूल विषय सामने को रख करके होता है। स्वप्नों काल में जो भोज्य वस्तु में हमारे भोग ये मेरा भोग्य वस्तु बुद्धि उत्पन्न होता है, वो क्या होता है विषय नहीं रहने पर उत्पन्न होता है। ये दोनों का अंतर भिन्न विश्वस विश्वस स्विषय तेन प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्व, मतलब स्थूल भोग वहाँ ये जो वहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होता तो अच्छा होता। विश्वस स्विषय तेन प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्व, एक सेंटेंस में यह पुनः आगे बोलते हैं कि यहाँ पे कई अवस्था भेद दिखा रहे भगवान भाष्कर। यह मतलब स्वप्न अवस्था में, परंतु स्वप्न अवस्था में केवल वासनामया प्रज्ञा भोज्या, ठीक है ना। यहाँ पे स्वप्नावस्था में केवल वासना मात्र जो प्रज्ञा है वही आपका भोज्य बन गया, विषय नहीं है वहाँ पे। वासना मात्र प्रज्ञा भोज्य, वासना मात्र जो बोध है ना, वासना जो अभिव्यक्ति भी वही आपके सामने भोग को वस्तु को जैसा दिखाई पड़ता है, भोज्य भोग करने योग्य वस्तु। इसलिए इसको यहाँ पे प्रविविक्त भोग कहा गया। प्रविविक्त भोग मतलब सूक्ष्म वस्तु का, मतलब वासना मात्र को भोग करने वाला। फिर आगे बोलते हैं समानम अन्न, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं समानम अन्न, ये अन्न क्या है तो टीकाकार लिखते हैं सप्तांग एक विंशति मुखत्तम इति एतत् अन्नत इति उच्यते, अन्नत शब्द के द्वारा समानम अन्न, ठीक है ना। वहाँ पे जो जो शब्द आया था उसका तो अर्थ कर दिया भगवान भाष्यकार ने, परंतु वहाँ पर इसका छोड़ दिया सप्तांग एक विंशति मुखत्तम बोलता, क्योंकि यह हमारा इसमें भी आया था विश्व में भी आया था, केवल इतना ही है कि एकोण विंशति मुख में कोई भिन्नता नहीं है, सप्तांग में इतना भिन्नता है। एक स्थूल जो ऊपर जो ऊपर का दिखाई पड़ता है वो और स्वप्न वहाँ पे यहाँ स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि उसका सूक्ष्म अवस्था, अथवा सपने में जो शरीर को तैयार कर लेता है, सपने वस्तु भोग करते समय क्या करता है सपने शरीर को तैयार करते हैं, ठीक है ना। वहाँ भी ऐसा ही रहता है, एक शरीर तो पड़ा रहता है और एक शरीर अपने आप तैयार कर लेते हैं, वहाँ भी ऐसे जिस शरीर यहाँ पे है उसे ही वास्तव जो देखते तदनुर्माण है, परंतु वहाँ पे वस्तु सूक्ष्म रूप में है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सप्तांग एक विंशति मुखत्तम इति एतद् अन्नत, इसी के यहाँ पे अन्नत पद के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इति उच्यते, ये जो द्वितीय पाद है, द्वितीय पाद तेजस है ना, तेजस द्वितीय पाद, ये जो तेजस है द्वितीय पाद ही तेजस है। तो दो पाद के माध्यम से चल करके आपको क्या दिखाना चाहते हैं श्रुति, आप जो है विस्तुरियों के आप नस्तिक पहुँच गए, दो पैर को चल करके आप चार मंजिला मकान है, आप दूसरा मंजिल में चढ़ गए एक मंजिल और बाकी है, फिर आप तुरीय में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए उपाय क्या है कि हमारे विश्लेषण चाहिए कि आप किस जगह क्या मिला। कुछ लोग हमारे ऐसा ऐसा वादी है जो चार बाग अर्जुन के फॉलोअर हैं, वो स्वप्नों को मानता ही नहीं, बोल सपनों से क्या होगा, वो केवल जागृत के मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। स्वप्न और जागृत संपूर्ण भिन्न वस्तु है, स्वप्न और जागृत संपूर्ण भिन्न वस्तु है, ये चार्वाक और चार्वाक का अनुयायी लोग मानते हैं। बौद्ध लोग क्या बोलते हैं, स्वप्न और जागृत बिल्कुल एक ही है। बौद्ध लोग क्या बोलते हैं, शून्यवादी बौद्ध अथवा क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध, वो बोलते हैं स्वप्न विज्ञानवादी स्वप्न और जागृत बिल्कुल एक है। परंतु वेदांती बोलते हैं कि स्वप्न और जागृत ना बिल्कुल भिन्न है ना बिल्कुल एक है, कुछ सिमिलरिटी है कुछ डिसिमिलरिटी है। ये भेद समझ में आया आपको, ये पकड़ना पड़ेगा आपको कि चार्वाकवादी, चार्वाक जो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं केवल, चार्वाकवादी वो केवल मात्र प्रत्यक्ष को मानता है, केवल स्थूल वस्तु को ही मानता है, वो स्वप्न की मान्यता ही नहीं देता। जब तक आप स्वप्नों की मान्यता देकर के विचार नहीं करोगे तब तक आप आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकते। हमारे जो वेस्टर्न फिलोसफी है वहाँ भी देखना कि वो लोग जागृत के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं, वो सांख्य दर्शन को अधिक मान्यता देते हैं। आदमी धीरे धीरे वेदांत में बदल रहा है, प्रकृति के ऊपर अधिक विचार करते हैं और फ्रॉड करके फ्रे करके ये हुए फिलोसफर हुए,
वो तो स्वप्न को लेकर के भी विचार किया। अब जब तक स्वप्न विचार करने के बाद जब तक सुषुप्ति के ऊपर विचार नहीं करोगे तब आत्मा कहाँ तक पहुँच पाओगे। तो ये तीन गुण को ध्यान रखना है कि एक बौद्धवादी लोग है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध का प्रसंग आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बौद्धवादी लोग है वो जागृत ये स्वप्न को और मतलब जागृत को बिल्कुल एक ही मानते हैं, बिल्कुल एक है, कोई भिन्नता नहीं है ऐसा मानते हैं, ठीक है। और एक वादी चारवाकवादी है वो क्या कहते हैं, स्वप्न और जागृत बिल्कुल भिन्न है, कोई विषमता नहीं है ऐसा मानते हैं। वेदांती क्या है, वेदांती बोलते हैं जागृत और स्वप्न में कुछ भिन्नता है कुछ विषमता भी है, कुछ समता भी है कुछ विषमता भी है। ये यहाँ से दिखा है, क्योंकि हम पहले ही बोला हमारे यहाँ पे समझाने की शैली यही है क्या कि एक को सहारे जब दूसरे को समझाते हैं तो क्या होता है उसमें समता क्या है और विषमता क्या है। आपकी कोई शब्द जो कहेंगे प्रयोग किया आपका दिमाग में तुरंत एनालिसिस के समय आना चाहिए इस शब्द के द्वारा मैं किसको व्यवर्तन करना चाहता हूँ और किसको ग्रहण करवाना चाहता हूँ। श्रुति के क्या अभिप्राय यहाँ पे, वो सूक्ष्म आत्मा जिसको तुल्य रूप उसको ग्रहण कराना श्रुति का अभिप्राय है। इसीलिए श्रुति के एक एक शब्द प्रयोग में क्या ग्रहणीय है क्या त्याज्य को दिमाग में आना चाहिए। तो जो ग्रहणीय होगा तो आप धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ पाएंगे। जब ये क्योंकि स्वप्न में क्या होता है अपने सूक्ष्म शरीर को वासनाओं को विचार करते हैं, अब जागृत काल में उठ करके बैठ करके आप अपनी मन के ऊपर दृष्टि डालिए, एक दिन में कितना प्रकार की वासना होता है वो देखिए और उस वासनाओं को अनुकूल प्रतिकूलता के ऊपर विचार करते हुए धीरे धीरे प्रतिकूल वासनाओं को अलग करते जाइए। उससे दो लाभ होंगे, एक तो वैराग्य आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपको अपने सूक्ष्म शरीर भेद होने लग जाएगा। सूक्ष्म शरीर भेद होने से जीव अपने स्वरूप में आ सकता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही नया शरीर बनने के लिए कारण बनता है, ठीक है ना। जैसे ही धीरे धीरे वासनाओं को आप देखने लग जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वासना फिर इरेडिकेट होते जाएगा। अब फिर जो जन्मांतर संचित कर्म का है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, केवल मात्र जो अभिव्यक्त वासना है उसको लेकर के समय उसी को करिए तो उसी से अभ्यस्त क्या हो जाएगा फिर ज्ञान से अपने आप ही संचित जल जाएगा और क्रियमान कर्म में कोई वासना उत्पन्न नहीं होगा। तो ये मुख्य रूप से स्वप्न अवस्था में आ गई। अब जो है एक तीसरा मंजिल पे चला रहे हैं, है ना। तीसरा मंजिल क्या है, सुषुप्ति अवस्था में ले जाएंगे। मंत्र को पढ़ते हैं, यत्र सुप्त न कंचन कामं कामयते, यत्र सुप्त न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति, न कंचन स्वप्नं पश्यति, तत् सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः यत्र सुषुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति, तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनंदमयो ह्यानन्दभुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। जिस समय के साथ जिस काल में अथवा जिस स्थान में अवस्था में आकर के सुप्तम आपके पास एक धातु है पदादि धातु की आपके ना सब सब धातु स्वपीति बची स्वपी ज्यादा दिना की थी वो सूत्रों के द्वारा क्या होता है उसका संप्रसारण होता है। स्व धातु है संप्रसारण होकर के ऊ हो गया उसने सुप्त वर्ग के अनिष्ठ रूप है क्योंकि कित है वहाँ पे इसी प्रकार उल्टा भी होता है इसको संप्रसारण बोलते हैं। तो यत्र सुप्त न कंचनम काम जिस अवस्था में आकर के उस है वह पुरुष
है ना, मतलब स्वप्न देख रहा था वो। स्वप्न देखते देखते एक समय आएगा जो स्वप्न से वो फिर स्वप्न देखना बंद हो जाएगा, स्वप्न देखना बंद हो जाएगा। अथवा जिस अवस्था में आकर के, अथवा जिस काल में आकर के, अवस्था भी हो सकता है काल भी हो सकता है। अवस्था में क्यों, क्योंकि स्वप्न एक भोग से थक गया, वो प्रारंभ समाप्त हो गया। और काल मतलब जो है, ये काल तो बोला तो ठीक है, परंतु सुषुप्ति काल की काम गणना करना जो है बहुत, कितना समय तक मैं गहरी नींद में रहा ये कोई काउंट नहीं कर सकता, थोड़ा सा एक अंदाज लगा सकते हैं मात्र। जिस समय में सोया हुआ पुरुष न कंचन काम कामयति, ये किसी भी भोग को वस्तु का कामना काम काम्यते इति कामा, और कामम है ना वो काम वस्तु को कामना नहीं करते। जिस समय आकर किसी भी प्रकार की भोग को वस्तु की कामना वो नहीं करते। कंचनम कामम कामयते, उसमें देखो एक नंबर टिप्पणी दे रहे हैं, पुण्य पाप प्रयोजकम पुत्र द्वार धनादिकम काम्यमान पदार्थम इति अर्थ, ठीक है ना। आपको जो है पुण्य पाप का प्रयोजक क्या है, यदि आप शास्त्र विहित कामना किया तो आपका पुण्य होगा, यदि आपने निषिद्ध कर्म की कामना किया तो आपका पाप होगा। ये पुण्य पाप का प्रयोजक ही है हमारी वासना, पुण्य पाप का हेतु, प्रयोजक मतलब हेतु। पुण्य पाप होता क्यों, वासना से होता है। शास्त्रीय वासना होगा और उसको पूर्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुण्य होगा। और शास्त्रीय वासना निषिद्ध कर्म होगा तो क्या हो जाएगा, पाप होगा। इसीलिए बोलते हैं पुण्य पाप प्रयोजकम पुत्र द्वार धनादिकम, ये काम वस्तु होता है पुत्र दार, हाँ मतलब पत्नी, पुत्र द्वार धनादिकम, पुत्र हुआ दार हुआ मतलब धनादिकम, धन मतलब कोई भोग को वस्तु, इसको जो कामना करता है। काममान पदार्थम मतलब कामना किया जाता है जिस भोग को वस्तुओं का, उन किसी भी भोग को वस्तु का इस समय आके कोई कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती। फिर न कंचनम स्वप्नम पश्यति, न स्थूल वस्तु कामना करते हैं न कुछ सूक्ष्म वस्तु कामना करते हैं। किसी भी प्रकार के स्वप्न, स्वप्न मतलब कहा जाएगा, देखो दो नंबर टिप्पणी, शुभा शुभ जागृत वासना जन्य पदार्थ नहीं हुआ, स्वप्न ही हो रहा था कि जागृत वासना जन्य जो पदार्थ अच्छा बुरा शुभ अथवा शुभ उस प्रकार की वस्तु की, मतलब पहले आपने जागृत करने व्यवहार करके कुछ किया, फिर कभी अकेला बैठ कर उसी व्यवहार पर सोचते हैं, परंतु जहाँ ये दोनों बंद हो जाता है, आपको जागृत को सुषुप्ति बनाना है तभी जाकर के काम बनेगा। साधन तो सुषुप्ति अवस्था में होगा नहीं, सुषुप्ति को दृष्टांत बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या हो गया, कोई भोग को स्थूल भोग को वस्तु कामना तो आप कर ही नहीं रहे, यानी कहाँ तक स्थूल, कहाँ सबसे अधिक प्रिय होता है अपना स्थूल शरीर, इसलिए यहाँ तक कि बोध आपका उठ गया। फिर उसके बाद मनोकल्पित कल्पना कर रहे थे, अब कोई मनोकल्पित वस्तु को मतलब जागृत वाचना से संस्कारित जो भोग्य वस्तु उसमें जो अच्छा लगा उसको आप मन से कामना करते थे, स्वप्न में देखते हैं। अब जागृत में बैठ करके उस प्रकार किसी वस्तु को लेकर के सोचना शुरू करें, फिर उसको भी छोड़ दें। इसलिए बोलते हैं न कंचनम स्वप्नम पश्यति, मतलब शुभाशुभ जागृत वासना जन्य पदार्थ, शुभाशुभ जो जागृत वासना था उस वासना, जागृत वासना से उत्पन्न हुआ जो भोग्य वस्तु उस पदार्थों का कामना भी नहीं करते। जिस समय जाकर के ना कोई स्थूल भोग का इच्छा है ना कोई सूक्ष्म भोग की इच्छा है, और प्रत्येक जीव की ये अवस्था अभिष्ट है। कितना भी भोग्य वस्तु आपके पास हो, आपको दिन रात 24 घंटा भोग आप नहीं कर पाएंगे। एक समय आकर के बोले कि भाई स्थूल भी रहना तो सूक्ष्म भी रहना, तो आपने तो सुने दें पहले सो लेते फिर देख लेंगे। सुषुप्ति अवस्था में क्या क्या काम होते हैं, वहाँ पे आप चुप नहीं बैठते हैं, शरीर तो पड़ा रहता है, अंदर से काम होता रहता है, खा पी के लेट करके मतलब टन हो करके खाया, इंपाइटी उठी में खूब खाया, परंतु अंदर में बैठ करके कोई आपके लिए इतना काम किया जो शरीर के लिए अनावश्यक वस्तु, उसको पहले छान करके अलग करके तैयार करके रखा, शुरू उठ के आप पहला करके निकल दौड़ना पड़ेगा, फिर जो बचा हुआ है उसको फिर पका पुका के उसमें और भी जो सूक्ष्म उसको निकाल करके बाकी हम उसको शरीर को बोले कर उसको रखते हैं। ये कैसे होता है इस विषय में हमारा कुछ पता ही नहीं है, कोई हमारे लिए बैठ कर ये काम करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में ये काम होता है, यदि वो नींद एक दिन भी यदि आप गहरी नींद में गए हुए हैं, आप अपने आप उठते हैं और कोई बीच में आपको उठा देते हैं, इन दोनों को आप परिमाण भिन्नता को आप समझने का कोशिश करो, तब पता रहेगा सुषुप्ति में क्या क्या काम है, सुषुप्ति में क्या क्या काम तब पता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण न ही कश्चित क्षण अपनी जात दुष्ट कर, एक क्षण के लिए भी निश्चित ही
कर्म के बिना ये शरीर रहता ही नहीं, ये शरीर रहता ही नहीं। तो ये बोलते हैं वो हो गया तत् सुषुप्त, ये सुषुप्त स्थान में जिस समय के भोग्य वस्तु काम, स्थूल भोग के भी कामना नहीं करते, सूक्ष्म भोग भी काम नहीं। अब भैया सुषुप्त जैसे जागृत स्थान ठीक है, स्वप्न स्थान मत्स्य ये बोल करके आया था, मतलब जाकर एक स्थूल वस्तु को लेकर अभिमान करने वाला व्यक्ति, प्रातिभाषिक वस्तु में अभिमान करने वाला मोहम्मद धर्म है, परंतु यहाँ पर सुषुप्त अवस्था में अभिमान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये हो गए से बोलते हैं सुषुप्त स्थान, यहाँ पर अभिमान नहीं है, बात गहरी नींद की स्थिति में है। गहरी नींद की स्थिति में कौन जी? आत्मा नहीं है, जीव के दो विभाजन है। जीव कैसे हुआ? एक शुद्ध आत्मा उपाधि के साथ, उसको जीव शब्द की तरह कह रहे हैं, तो जो उपाधियां सो जाते हैं आत्मा नहीं सोता, आत्मा के नीचे नहीं, आत्मा तो जगते रहते हैं, और उपाधियों में भी प्राण नहीं सोते बेचारे, प्राण अगर काम करना बंद कर तो फिर उठेंगे नहीं हम, वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए जो है एक वो उपमतलब सूक्ष्म शरीर के वो भाग काम करते रहते हैं, सुषुप्त स्थान मतलब जिस समय यहाँ पे अभिमान नहीं है, अच्छी तरह से यहाँ पे एक उपशब्द लगा दिया सुषुप्त स्थान तक सोया हुआ, सुषुप्त मतलब गहरी निद्रा में है, मतलब इस समय कोई वासना काम नहीं काम करते। वह क्या यहाँ पे बोलते हैं एक ही भूत, यहाँ पे अलग करके अभिमान क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे अधिष्ठान के साथ एक होकर के सोता है। श्रुति ऐसा बोलते हैं सता सम स्थान मतलब स्थान में अभिमान करने वाला, ठीक है ना, जागृत काल में स्थूल में अभिमान करते हैं, स्वप्न काल में प्रातिभाषिक वस्तु में अभिमान करते हैं, यहाँ पे आकर के क्या करते हैं? अपने स्वरूप के साथ एक होकर के सोते हैं, अभिमान नहीं रहता। सता शून्य तदा संपन्न भवती स्वम अपी तो भवती, सत के साथ एक होकर के सोते हैं। ये सुषुप्त स्थान होते सत के स्थान नहीं, सुषुप्त स्थान कैसे समझेंगे? किस स्थान में रहता है वो? जागृत काल में स्थूल विषय के साथ रहता है चेतन, स्वप्न काल में क्या होता है? वासना संस्कार के साथ रहता है चेतन, सुषुप्ति काल में कहाँ रहता है? अपने स्वरूप में रहता है। यदि स्वरूप में रहता है, हमने तो ऐसा सुना समुद्र में यदि आप एक घड़ा एक लोटा पानी डाल देंगे तो फिर उस पानी को आप निकलना चाहेंगे तो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? समुद्र में आ जा करके आपने एक लोटा पानी डाल दिया, ठीक है ना, आप दोबारा उस पानी को समुद्र से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तो फिर जीव उठ करके फिर व्यवहार कैसे करने लगता है? बोलता बस यही है एक बात है कि परंतु उसी पानी को यदि आप एक पॉलीथीन की बोतल अथवा पैक में डाल करके आपने समुद्र में डाल दिया तो उसी पानी निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? भिन्नता क्या होगा? यदि उस पानी गर्म रहा होगा तो समुद्र के ठंडा पानी के साथ मिलकर के ठंडा हो जाएगा, यदि पानी बर्फीला पानी होगा तो समुद्र के पानी के साथ मिलकर के थोड़ा समुद्र के टेम्परेचर में आ जाएगा, ठीक है ना। आत्मा सर्वदा शांत है बिना किसी उत्ताप के, जीव भोग करते हुए थक जाता है, क्लांत हो जाते हैं, उसके इंद्रिय थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पॉलीथीन अज्ञान रूपी पॉलीपैक के द्वारा, अज्ञान के यहाँ पे पॉलीपैक मतलब अज्ञान, अज्ञान रूपी पॉलीपैक के द्वारा अपने वासनाओं को अपने अज्ञान को पूरा बीज अवस्था को उसमें रख करके वो अपने स्वरूप के साथ एक होकर के सोता है। फल तो क्या होता है? जागृत और स्वप्नकालीन जो भी उनका जो थकावट था, गर्माहट आया था, वो स्वरूप के साथ एक होकर के पूरा मिट जाता है। जब एक ही भूत होता है तो अज्ञान से परित रहता है। हाँ, नहीं तो वहीं पे मुक्त हो जाता है, नहीं तो वहीं पे मुक्त हो जाता है। और वो जो है वो अज्ञान, अज्ञान की पतला पर्दा और जिसमें सारा सृष्टि के बीच छुपा हुआ है, जितना हमारा जीवन की जीवन के संस्कार है सारा उसमें विद्यमान है। इसीलिए जगते क्या होता है, पहले क्षण में कुछ नहीं आएगा, फिर तुरंत उसको जो है माइंड के साथ एक होगा, फिर स्थूल शरीर के साथ आदत मिलेगा, फिर बुद्धि से सोचे कल हमने क्या किया, क्या था, कैसा था, सब उनको याद आने लग जाता है, वो सृष्टि होने लगता है, नित्य प्रलय है ये। इसके हम बोलते हैं सुषुप्त स्थान एक ही भूत, वहाँ पर देखिए दो नंबर एक ही भूत मतलब विक्षेप अभाव ईश्वर है ना, एक ही भूत इवस इतना अर्थ, वहाँ पे कोई विक्षेप नहीं है। विक्षेप कहाँ पे है? जहाँ पे वासना है वहाँ पे विक्षेप है, विक्षेप का कारण ही वासना है। जागृत काल में वासना है विक्षेप है, स्वप्न काल में वासना है विक्षेप है, सुषुप्ति काल में वो वासना बीज अवस्था में आ गया, इसीलिए वहाँ पे विक्षेप नहीं है। विक्षेप नहीं होने कारण क्या होता है? अपने स्वरूप के साथ एक होकर के सोता है।
यहाँ पे ईश्वर शब्द प्रयोग है, विक्षेप अभावात ईश्वरेना एकीभूत इव, ईश्वर के साथ मतलब अंतर्यामी के साथ एक हो गया जैसा, इव बोलने यहाँ पे स्थित, हाँ एक हुआ वहाँ पे, परंतु क्या है एक पॉलिथिन पैक, उसका सब एक पैकेज अज्ञान के एक पैक से कवर किया हुआ। इसलिए क्या होता है जब करके प्रत्येक जीव छंद को पूछे बोलते हैं सिंह होवा वृक्ष होवा बड़ा होवा कीट होवा मशुक होवा दंश होवा, जब जब भवती तत्ता भवती तत्ता भवती, मतलब जैसा जैसा था वो उसी प्रकार से फिर उस रूप में आ जाता है, सबके साथ एक होकर सोते हुए ये एक ही भूत सुषुप्त। ध्यान रखने आप ये सुषुप्त स्थान क्या हो गया, तो सुषुप्त स्थान हो गया हमारा ईश्वर स्थान, अपना स्वरूप स्थान, जागृत स्थान हो गया स्थूल विषय के साथ, चेतन का विषय का स्थान कहाँ हो गया स्थूल विषय में, और स्वप्न काल में क्या हो गया भाषणों के साथ एक होकर गया, सुषुप्त स्थान क्या हो गया अपना स्वरूप स्थान, इसलिए स्थान एक ही वहाँ पर एक ही भूत नहीं बोला, क्या बोला जागृत स्थान मतलब जागृत अभिमान करने वाला, स्वप्न स्थान मतलब सूक्ष्म वस्तु में मेरापन करने वाला, और यहाँ पे क्या है स्वरूप के साथ एक होता है, एक ही सुषुप्त स्थान एक ही भूत। अब ये अभिप्राय क्या है, विचार करते करते जब आप अपनी सूक्ष्म शरीर से अलग करेंगे तब आप क्या हो जाएगा, आप अपने स्वरूप के साथ एक होते हैं। अभी तक हमें जो है स्वरूप के साथ एक होकर के क्या स्थिति होती है हमें पता नहीं है, हमारे हमेशा उपाधि के साथ अपने को देखने का आदत बनी हुई है, उपाधि के साथ अपने को देखने का आदत बनी हुई है, जैसे ही उपाधि मतलब मन लस्ट रहेगा आपका मन खत्म होगा वो छूटेगा, पहले डर लगने लग जाएगा ये क्या हो गया, परंतु उस समय ईश्वर के पास गुरु के पास शास्त्र वाक्य फिर मन के साथ बुद्धि के साथ शास्त्र वाक्य याद आता है, हाँ ये वो स्थिति है, ये वो स्थिति है एक ही भूत ईश्वर के साथ का पता है, प्रज्ञान घनैव है ना, प्रज्ञा की मतलब घनता है कॉन्डेंस जिसको बोलते हैं कॉन्डेंस्ड मिल्क है ना, वो कॉन्डेंस मिल्क क्या होता है मिल्क की एक घनभूत अवस्था मीठा भी मिला रहता है, परंतु यहाँ पे वो और कुछ नहीं मिला रहता है, इसलिए ए वो बोला अन्न जो व्यवच्छेद है यहाँ पे किसी के साथ मिलता नहीं है, शुद्ध चेतन ही वहाँ पे रहता है, परंतु अज्ञान रहता है वहाँ पे है ना, अज्ञान पैक के अंदर शुद्ध चेतन रहता है, पैकेट नहीं फूटा अभी तक, पैकेट है वहाँ और पैकेट के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार देखिए आजकल ये जो पॉली पैक बनाते हैं ना वो कई चीज़ वहाँ पे देते हैं, वो पैकेट से निकलता है पैकेट अलग रहता है द्रव्य अलग होता है पैकेट के साथ, कोई कोई द्रव्य पैकेट में चिपक जाता है कोई कोई द्रव्य बिल्कुल नहीं चिपक, आत्मा एक असंग ऐसा पदार्थ है वो पैकेट में नहीं चिपकता, तो मैं यही बोल रहा हूँ एकीभूत कैसे हुआ आपने, क्योंकि वो जो आपके अंदर ये जल के अंदर जो भी गर्माहट अथवा ठंडापन था वो ठंडापन जाके जल के साथ कैसे मिलता है बोलो, आपने एक बोतल में गर्म पानी रख करके उस पानी को अपने जो है कोई चौक जहाँ पे पानी स्टोर है वहाँ पे रख दीजिए, आप थोड़ी देर बाद आप पानी तो निकाल देंगे, अब तो पानी ठंड कैसे हो जाता है, हाँ बस इतना ही होता है, उतना वहाँ भी यही होता है, वो सूक्ष्म ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा जिस पॉलीपैक के अंदर पानी आपको जैसे देते दृष्टांत तो दृष्टांत भिन्नता क्या है, जिस प्रकार यहाँ पे आपका ये पानी और ये पानी दोनों अलग अलग दिखाई देगा, परंतु इस पानी के अंदर इस पानी के अंदर जो सच्चिदानंद अंश है दोनों बराबर है ना, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वो आत्मा जिस आत्मा के साथ एक होकर के हमने सोया वो आत्मा हमारा सुषुप्ति अवस्था में जिस अज्ञान है उस अज्ञान को भी वही प्रकाशित कर, अज्ञान के अंदर ही वही विद्यमान घुसा हुआ है, परंतु क्या है कि इस अज्ञान के साथ उसका संबंध है और अज्ञान का पहला ही कार्य होता है अंतकरण, जगते ही वो अंतकरण भी तदन करता है, इसलिए बोलते हैं प्रज्ञान घन एव, इस समय क्या होता है उनका क्या स्थिति है कि एक चेतनता की घनीभूत अवस्था, और एव बोल रहे कुछ भी विजातीय वस्तु नहीं है, अन्य जो व्यवच्छेद है ये, मतलब एवोकार तीन जगह यहाँ पे टीकाकार बोलने जिसको उस समय बाद आएंगे कि तीन प्रकार के एवोकार की अन्य होते हैं क्रिया के साथ विशेषण के साथ विशेष्य के साथ, मतलब किसी दूसरे के साथ यहाँ पे संबंध नहीं, अन्य जो व्यवच्छेद है यहाँ बढ़ते एवं धनोतर जैसा होते हैं प्रज्ञान घन एव। अच्छा उस समय तो क्या था सुरभु जागृत काल में, स्वप्न काल में प्रविविक्त हु, यहाँ पे क्या है आनंद हु, क्यों क्योंकि इस समय आनंदमय स्थिति में है, ये मैं जो है ये जो है यहाँ पे आनंद की जो है प्रचुरता को कह रहे हैं, आनंद की प्रचुरता को कह रहे हैं यहाँ पे आनंद, इसलिए यहाँ पे आनंद का ही भोग करते हैं,
अपने आनंद को अपने स्वरूप भूत आनंद है, विषय भूत रूप नहीं है, इसलिए यहाँ पे आनंदमय ही आनंद भूत वो आनंद को भोग करने वाले। अब जो है चेतोमुख बोल रहे, मतलब उस समय वो अचेतन जैसा परा रहता है, परंतु सुषुप्ति से ही या तो वो जागृत अवस्था में आएगा या तो स्वप्न अवस्था में आएगा। सुषुप्ति अवस्था से ही वो जागृत अवस्था में भी आ सकते हैं, स्वप्न अवस्था में मध्यम बनाकर तो जागृत में आ सकते हैं, सीधा भी आ सकते हैं। ये चेतोमुख ये मतलब चेतना की ओर मुख कर, सुषुप्ति से मर नहीं जाता, सुषुप्ति से फिर जग के आता है, प्रारब्ध समाप्त का बात अलग है, सामर्थ्य रहेगा चेतोमुख, इसी को प्राज्ञ बोलते हैं, मतलब व्यष्टि सुषुप्त अभिमानी चेतन, व्यष्टि सुषुप्त अभिमानी चेतन को बोलते हैं प्राज्ञ, और इसी को समस्त में क्या बोलते हैं ईश्वर, यही जो है इसका तृतीय पाद है। देखिए आप क्या हुआ, तृतीय पाद में आपका कोई स्थान अभिमान नहीं रहा, तृतीय पाद में कोई स्थान अभिमान नहीं रहा, यहाँ पर सप्तांग एक अनविंशति मुख ये नहीं रहा, ठीक है ना, अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ को छोड़ करके केवल वो भी नहीं है यहाँ पे, केवल आनंद भूख बाहर अंदर दोनों ही छोड़ दे, विषय चाहे वो वासनात्मक विषय हो जैसे कुछ नहीं है। अब जागृत में बैठ करके आपको इस अवस्था में आना है, जागृत में बैठ करके ठीक है, इग्नोरेंस को रहने दो, अज्ञान को रहने दो वहां, क्योंकि अज्ञान में साधन, अज्ञान मीडिया साधन नहीं करेगा, अज्ञान को रहने दो, अज्ञान को मिटाने के लिए आप क्या करना है, आपको इस अवस्था में आना है। जैसे आप ये अभ्यास करते रहेंगे तब एक समय आएगा व्यवहार काल में आपका स्थूल शरीर से तदन में जुड़ा रहेगा, धीरे धीरे एक दिन में नहीं हो, क्योंकि कितना जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है कि हम लोग उपाधि के साथ तादात्म्य करके व्यवहार करते हैं, कितना जन्मों के संस्कार है, और उतना हम ये है कि मान लो एक कमरा 20 साल से बंद है, एक कमरा 20 साल से बंद है और एक कमरा 2 साल से बंद है, स्विच जलने पर अंधेरा जाने में 20 साल वाला अंधेरा वाला कमरे में अधिक समय लगेगा कि कम समय लगेगा, एक ही लगेगा, उसमें जो है स्विच जलने कम है, तो परंतु वो स्विच जलाने के लिए क्योंकि उस उतना दिन तक वो कमरे व्यवहार नहीं हुआ तो वहाँ पे कीचड़ होगा, स्विच में हाथ नहीं मिलेगा, गंदगी लगेगा, पहले आपको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, ये 2 महीना तो 1 महीने में उतना नहीं होगा, बस इतना ही भिन्नता है, इतना ही भिन्नता है। अनाधिकाल से जो उपाधि के साथ व्यवहार करते हुए हम आ रहे हैं तो वो इस व्यवहार को मिटाने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा जो है हमको समय देना पड़ेगा, उपाधि को छोड़ करके कैसे व्यवहार हो सकता है, बिना व्यवहार कैसे हो सकता, इसी को बोलते हैं प्राग तृतीय पाद, ये तृतीय पाद है। अब देखिए भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, ना टीकाकार पहले भाष्यकार के ऊपर खा देते हैं, ठीक है टीका में इसके ऊपर मूल के ऊपर 3 टिप्पणी था पढ़ लिया हमने, अच्छा नहीं 3 नंबर एक ही भूत विक्षेप अभाव ईश्वर के साथ एक टीका में पाद द्वयम एवं व्याख्याय, ठीक है ना, 2 पाद को इस प्रकार से व्याख्या करके तृतीय पाद व्याख्यासन, तृतीय पाद की तीसरा पाद की व्याख्या करने की इच्छा रखते हुए व्याख्यायमान श्रुत, जो श्रुति का व्याख्या जो श्रुति जिस श्रुति का व्याख्या किया जा रहा है उस श्रुति में न कंचन, क्या है वो न कंचन इत्यादि विशेषण, जिस प्रकार विशेषण दिया गया सुषुप्ति स्थान का विशेषण दिया गया, 2 सुप्त हो गया इसका विशेष्य, और न कंचनम काम कामयते न कंचनम स्वप्नम पश्यति इति सुषुप्ति, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 विशेषण दिया गया है, तो न कंचन इत्यादि विशेषणस्य तात्पर्य भाई विशेषण के तात्पर्य को कहते हैं, ठीक है, क्यों श्रुति यहाँ पे 2 विशेषण दिया उसका अभिप्रेत अर्थ क्या, ठीक है, पाद द्वयम एवं व्याख्याय, 2 पाद को इस प्रकार से व्याख्या करके तृतीयम पादम व्याख्यासन, तृतीय पाद को व्याख्या करने की इच्छा रखते हुए व्याख्यायमानम श्रुतो, जी व्याख्या करने की इच्छा रखने वाला है भगवान भाष्यकार, और व्याख्यायमान श्रुतो मतलब व्याख्यान के मंत्र श्रुति भाग को व्याख्यायमान श्रुतो, उसमें श्रुति में व्याख्या किया जाएगा जिस श्रुति का, उस श्रुति में न कंचनम इत्यादि सुषुप्ति का 2 भीषण दिया, एक हो गया न कंचनम कामम कामयते और नाम कंचन स्वप्नम पश्यति, ठीक है ना, ये जो 2 भीषण दिया इत्यादि विशेषण से इस विषय का तात्पर्य क्या है उसको भगवान भाष्यकार बोलते हैं। अब आगे दर्शन अदर्शन वृत्ति हो, ठीक है ना, एक में दर्शन वृत्ति है एक में अदर्शन वृत्ति, अदर्शन वृत्ति मतलब
अब यहाँ पे दर्शन अदर्शन वृत्ति तो योग दर्शन में इसलिए बोला कि अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, निद्रा भी एक वृत्ति है और वहां पे अभाव प्रत्यय का मतलब कोई विषय नहीं रहता है, अभाव प्रत्यय को आलम्बन करके जिस स्थिति को आते हैं जीव उसको हम निद्रा बोलते हैं। यहाँ पे दर्शन अदर्शन से एक जगह पे स्थूल वस्तु, एक जगह पे जहाँ पे स्थूल वस्तु नहीं है, जागृत स्वप्न की बोल रहे हैं दर्शन, आपको क्या है वृत्तियात्मक है वो ध्यान रखना। यहाँ दर्शन अदर्शन एक जगह पे दिखाई दे रहा है एक जगह पे दिखाई नहीं दे रहा, ये बात नहीं है, देखने और नहीं देखने का जो वृत्तियां हैं मनोवृत्ति, मैं देख रहा हूं क्योंकि ये वृत्ति का दृष्टा को आपको वहां तक पहुंचाना है, इसलिए आप दर्शन अदर्शन वृत्ति हो, ये दर्शन अदर्शन जो वृत्ति है वो दोनों वृत्ति का दृष्टा तक ले जाना है, इसलिए आप बोलते हैं दर्शन वृत्ति हो तत्व अप्रबोध लक्षण जो इन दोनों से इन दोनों वृत्ति का जो तत्व अप्रबोध लक्षण जिसमें तत्व का बोध नहीं है, जिस समय आपका तत्व का बोध नहीं है सापस जो सोया हुआ स्थिति, जागृत भी एक सोया हुआ स्थिति है, जागृत भी एक सोया हुआ स्थिति है, क्यों इस समय आपका तत्व का बोध नहीं है। ये भाष्यकार इस पंक्ति को शब्द इसलिए प्रयोग कर आगे मांडू को कालिका का जो कहने जा रहे हैं उसको मन में रखते हुए यहाँ पे बोल रहे हैं तत्व अप्रबोध लक्षण सापस्य तत्व का तत्पद में रहने वाला जो भाव तत्वमसी महावाक्य में जो तत्पद दिया हुआ मतलब जो व्यापक तत्व है उस व्यापक तत्व में रहने वाला जो भाव व्यापकता की जो भाव व्यापक में क्या रहेगा व्यापकता घट में क्या रहेगा। देखो यहाँ पे मनुष्य को पहचान कैसे होगा मनुष्यत्व के द्वारा, तत्पद का पहचान कैसे होगा घट का पहचान कैसे, घटक तो धर्म है तो घट है, पटक तो धर्म है तो पट है, व्यापक तत्व धर्म है तो व्यापक है, इसी प्रकार आपका जो क्या है कि तत्व में तत्त्व धर्म है ना, तत्व में रहने वाला धर्म तत्व सामान्य धर्म नहीं है, वहाँ वो क्या है कि शुद्धता असंगता पूर्णता व्यापकता बाकी सभी जो है हम वो करते हैं, असंगता सबसे बड़ा धर्म है वहाँ पे तत्व अप्र ये जो हमारी असंगता हमारी पूर्णता ये बोध हमें नहीं रहता है, कब नहीं रहता है जागृत काल में भी नहीं रहता है स्वप्न काल में भी नहीं रहता है, इसलिए बोलते हैं तत्व अप्रबोध लक्षण तत्व को समझ तत्व अप्रबोध मतलब तत्पद के रहने वाले धर्म अथवा विशेष गुण उसको भी उसका अज्ञान जागृत काल में भी हमें रहता है, इसलिए बोलते हैं तत्व अप्रबोध लक्षण स्वापस तुल्यता ये जो निद्रा है ये दोनों अवस्था में तुल्य है, तुल्यत्वा तुल्यता सुषुप्ति का, इसलिए सुषुप्ति को ग्रहण कराने के लिए जत्र शुद्ध इस सुषुप्ति में अथवा जिस समय सोया हुआ पुरुष जिस समय इत्यादि विशेषण ये भीषण दिया है, मतलब इस समय सुप्त बोलने का मतलब क्या हो गया जैसा जागृत स्वप्न में सोया हुआ है इस सुषुप्ति अवस्था में ऐसा ही एक वस्तु है ऐसा बोलो सुप्त शब्द प्रयोग करके जागृत स्वप्न में भी आप सोए हुए हैं और सुषुप्ति अवस्था में भी आप सोए हुए हैं तो भिन्न तक बोलेंगे आगे मांडू को कालिका आगे जैसा आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए भाष्यकार ऐसा शब्द कर रहे हैं अथवा बोलते हैं आप उसको समझाने के लिए इसका एक अंग अर्थ करेंगे त्रिशु अपि स्थानेषु तत्व अप्रतिपद लक्षण साप अविशिष्ट इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते अथवा ऐसा विकल्प में क्या बोलते हैं तीनों अवस्थाओं में त्रिषु अपि स्थानेषु मतलब तीनों अवस्थाओं में तीन स्थानों में कौन सा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों स्थान में तीसरे स्थान तो तत्व अप्रतिबोध लक्षण तत्व का बोध नहीं है तत्व अप्रतिबोध लक्षण तीनों अवस्था में जागृत स्वप्न लक्षण ये साप मतलब सोया हुआ अवस्था अविशिष्ट जागृत भी सोए हुए स्थिति है स्वप्न भी सोए हुए स्थिति है और सुषुप्ति भी सोए हुए स्थिति है अविशिष्ट सामान्य इति पूर्वाभ्याम इतना तीनों सामान्य होते हुए भी मैं क्या बोला कि आपको किसी वस्तु को बोध कराना है तो किसी वस्तु को जब बोध कराना है तो क्या हो जाएगा जिसके साथ सहारा लेकर का बोध कराना चाहते हो उस वस्तु के साथ एक रूपता क्या है और भिन्न रूपता क्या है दोनों बताना पड़ेगा सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी तो सिमिलरिटी क्या बता दिया तीनों अवस्था में निद्रा स्थिति एक ही है तीनों अवस्था में तत्व अप्रबोध लक्षण रूपी निद्रा
तत्र अप्रबुद लक्षण रूपे नेत्रा तीनों अवस्था में बराबर है। ठीक है ना, अब तो भिन्नता क्या आप बोलेंगे आगे, इसमें आप बोलते हैं कि अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व अप्रतिबोध लक्षण स्वाप, मतलब तत्व को तत्व में रहने वाले तत्पद मतलब व्यापक शुद्ध चेतन तत्व में रहने वाले जो भाव उसको नहीं समझने के तरह लक्षित होता है जो निद्रा, उस निद्रा स्थिति तीनों में विशिष्ट है सामान्य है। हमको लगता ही नहीं है कि हम सोए हुए हैं, हमको लगता है हम जगे हुए हैं। सुषुप्ति सुषुप्ति क्या बोलता है, यही जानना ही तो तुम्हारा सोना है, तत्व को नहीं जानना। इति पूर्वाभ्याम सुषुप्त विभाजित, दोनों से सुषुप्ति को अलग कर रहे हैं। ठीक है ना, अब कैसे अलग करें बोलेंगे आगे, बोलेंगे कि दत्त न कंचन काम एम काम है, दो तीनों अवस्था में सोया अवस्था एक होते हुए भी, मतलब तत्व का अप्रबद्ध होते हुए भी जागृत काल में स्थूल वस्तु की कामना करता था, स्वप्न काल में क्या करता है प्रतिभासी वस्तु वासना को कामना करता है, सुषुप्ति काल में ये नहीं करता, ये अभिन्नता हो गई, ये भिन्नता हो, इसलिए वो तो उसको अलग करके विभाजन करते हैं, सुषुप्त विभजते। अब ठीक है, मैं आ जाइए फिर देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, दर्शनस्य स्थूल विषयस्य वृत्तिर अत्र अस्ति इति जागृत दर्शन वृत्ति, ध्यान देना जागृत दर्शन को नहीं बोला, जागृत दर्शन वृत्ति है, वृत्ति मतलब मन से हमने इसको देखा हमने इसको जाना, जब तक ये मनोवृत्ति नहीं उठेगा तब तक विषय आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक मनोवृत्ति साथ नहीं देगा तब तक विषय समझ में नहीं आएगा, है ना। अन्यत्र मना अभुवम ना किंचित अवेदिशम, कहीं पर मन चला गया मैं कुछ नहीं जान पाया मैं नहीं समझ पाया, इसलिए हमें बोलते हैं कि दर्शनस्य ये दर्शन होता है ना स्थूल विषयत्व, जो स्थूल विषय आपको दिखाई दे रहा है, वृत्ति अत्र अस्थि स्थूल विषय संबंधित वृत्ति आपका है, तभी जाकर जागृत काल में स्थूल विषय का भोग होता है और तभी जाकर को विषय अंदर प्रवेश भी करता है। यदि वृत्ति वहाँ पे ये चीज ध्यान रखते हैं, वृत्ति को जो हम रोक पाते हैं, विषय है मैं हूँ देख रहा हूँ, परंतु वृत्ति अंदर से जाकर के वहाँ पे क्या करते हैं ठप लगाते हैं, मैं मेरा अच्छा शोभना बुद्धि उत्पन्न करता है, शोभना अभ्यास करते ही फिर वहाँ पे एक मेरापन आ जाता है, ये स्पॉन्टेनियस होता हमको पता ही नहीं लगता है। ये वृत्ति शब्द इसलिए हमें वृत्ति शब्द इंटेंशन भगवान भाष्य का प्रयोग किया, इस वृत्ति को ऊपर ध्यान दो, विषय को रहने दो, तुम अलग रहो देखो, परंतु इसको जो वृत्ति का ये हो रहा है ट्रांसमिशन हो रहा है ना वो आपका बंधन का हेतु है, इसलिए वृत्ति है ये मनोवृत्ति को यही ये मनोवृत्ति को आप देखने सीखेंगे तो सूक्ष्म शरीर भेद होगा आपका, सूक्ष्म शरीर में इंद्रिय समस्या के कारण नहीं है, मन ही समस्या के कारण है कि नहीं, सारा समस्या के कारण मन है, इसलिए मनोवृत्ति को देखना सीखे, इंटेंशन या फिर वृत्ति शब्द प्रयोग क्योंकि होता यही है विषय, यहाँ पर दर्शन से स्थूल विषय से वृत्ति अत्र अस्ति, दर्शन मतलब कहते हैं कि स्थूल विषय का दर्शन होता है, स्थूल विषय दर्शन संबंधित जो वृत्ति है वो इस अवस्था में आकर के रहता है, इस अवस्था में इति जागृत स्थान, इसलिए जागृत स्थान क्या हो गया दर्शन वृत्ति, वहाँ पे एक हो गया दर्शन वृत्ति एक हो गया अदर्शन वृत्ति, ठीक है ना, जागृत स्थान हो गया आपका दर्शन वृत्ति, स्थूल विषय का वृत्ति है वहाँ पे बोल चाहिए, बस यही तो वासना से तो वृत्ति उत्पन्न होता है, ये वासना तो धक्का मारता है वृत्ति उत्पन्न करने के लिए, जो चित्त भूमि में जो वासना बैठी हुई है देखते ही शोभना बुद्धि फिर बस वो वृत्ति क्या है क्यों है ये सब करते हुए हमें अपने अंदर उसको घुसाती है। तीसरा बोलते हैं देखो सो बोलते हैं स्थूल विषयात दर्शनात अन्न दर्शनम अदर्शन, देखिए अदर्शन मतलब यहाँ पे सुषुप्ति को सीधा मत लेना, स्थूल विषय से जो अन्न दर्शन होता है उसको बोलते हैं स्थूल विषयात दर्शन, स्थूल विषय के दर्शन से अन्न दर्शनम अदर्शनम वासना मात्र, यहाँ पे क्यों वहाँ पे विषय भी है वासना भी है, यहाँ पे क्या है विषय नहीं है वासना है, क्योंकि विषय क्या क्या एक इंप्रेशन मन में डाल के गया भोग का, विषय तो नहीं है पर उसका वासना में इंप्रेशन आ गया, इसीलिए हमें बोलते हैं वासना मात्र तस् व्यक्ति रस्तो स्वप्न अस्त में क्या होता है उस वासनात्मक वृत्ति भी बनी रहती है, तस्य वृत्ति अत्र अस्ति इति अदर्शन वृत्ति, इस प्रकार से अदर्शन वृत्ति का हो गया स्वप्न, ठीक है ना, ये स्वप्न वृत्ति हो गया, तयोर इन दोनों का सुषुप्तवत एव सापस्य तत्त्व अग्नि, दोनों अवस्था हो क्यों रहे वृत्ति मतलब वासनात्मक वृत्ति और वासना का स्थूल वस्तुत्मक वृत्ति होता क्यों रहे थे, क्योंकि हमारे स्वरूप का ज्ञान नहीं है वहां वृत्ति नहीं है, इसीलिए होता है, इसी कारण से क्योंकि मैं अपने को विषय से अलग मान रखा मैं परिच्छिन्न हूँ उससे हमारा काम बनेगा, इसीलिए उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, यदि आपकी पूर्णता के सभी में एक ही मैं हुई होगा तो वासना चले जाएगा आपने,
वहां पे ले जाना है, क्योंकि वहां पे ले जाना है, इसलिए आपने क्या बोलते हैं कि कौमा कर देना वहां पे। स्थूल विषया दर्शना अन्न दर्शनम अदर्शनम वासना मात्र है ना, वासना तस् वृत्ति अत्र अस्ति, ये दोनों जगह पर समान है। देखिए वृत्ति अत्र अस्ति और वहाँ पे तस् मतलब वो जो सूक्ष्म विषय वासनात्मक वृत्ति वो जिस अवस्था में विद्यमान रहता है, इसकी अदर्शन वृत्ति, इसको बोला अदर्शन वृत्ति। एक हो गया दर्शन वृत्ति, एक हो गया अदर्शन वृत्ति। दर्शन वृत्ति मतलब विषय के साथ वासना और अदर्शन वृत्ति मतलब विषय रहित वासना। और एक हो गया सुषुप्ति अवस्था, इन दोनों, इन दोनों दर्शन वृत्ति स्वप्न, ये हो गया स्वप्न। तयो अब मैं इसी बोल, आप देखिए जागृत काल में बैठ करके आप विचार कर रहे हैं, एक हो गया विषय को देख करके वासना उठ रहा है, विषय छोड़ दिया वासना उठ रहा है। जागृत काल में आपको समझ में आ रहा है ना, ये जागृत में आप धीरे धीरे स्वप्न अवस्था में आ रहे हैं। तयो इन दोनों का सुषुप्त एवं जैसा सुषुप्ति अवस्था में स्वापस्य तत्व, जिस प्रकार मतलब निद्रा में वस्तु क्या है कुछ बोध नहीं रहता, स्वापस्य तत्व अग्रणस्य, ये जो तत्व में रहने वाले मतलब अपने स्वरूप में रहने वाले जो भाव जो धर्म स्वरूप में रहने वाले जो असंगता पूर्णता व्यापकता इसका ग्रहण नहीं होता, इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता, इस प्रकार जागृत में भी नहीं होता, स्वप्न में भी नहीं होता, इसलिए तीनों में बराबर है। तो ये जो एक जिस वस्तु का हम समझाना चाहते हैं उसमें पहले सिमिलरिटी क्या है अब हमने दिखा दिया, अब बीस मिनट को दिखा के परंतु कल दिखाएंगे। बहुत अच्छा है पांडु कार्य का, यदि आप यदि इसको विचार करेंगे ना, मैं तो यही कहता हूँ हो नहीं सकते कि आपको परोक्ष ज्ञान में कोई दृढ़ता ना आए, अपरोक्ष अनुभूति ईश्वर विमान के ऊपर छोड़ दो, परोक्ष ज्ञान में दृढ़ता निश्चित आ जाएगा, निश्चित आ जाएगी। Shabbat shalom.